पॉप के नाम से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और हमजरा डांस स्टूडियो बेसिकली उन्हीं के नाम से है, माइकल जैक्सन रॉ डांस स्टूडियो। तो गाइस हम लोगों ने एमजे प्लस भांगड़ा इन दो का एक कॉम्बिनेशन को रिकॉर्डिंग तैयार करने की कोशिश की है। तो उससे पहले हमें सॉन्ग से पहले हमें पहले बेसिकली इसकी स्टेप्स याद करना जरूरी होंगे, क्योंकि एमजे के जो स्टेप्स थे वो करने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है। तो वो बेसिकली हमें कैसा करना है, फर्स्टली हम लोग दो वीडियोज में पहले उनको सीखेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसमें भांगड़ा ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो माइकल जैक्सन के स्टेप्स के रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चार स्टेप्स करेंगे जो इजी भी है और थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ग्रेसफुली उसको और अच्छा किया जा सकता है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पहले अगर हमें इस तरह की हैक्टैप मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये जरूरी होती है। एमजे जब भी कर रहे हैं तो ये प्रॉप बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। इनकेस अगर नहीं लिए तो नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे सिर्फ और सिर्फ जस्ट इस तरीके से पहनते हैं। और जब हैट ये हम लोग पहनते हैं हैट का, तो हमें क्या करना है, अपनी जो ये चीज़ है उसको हल्का सा डाउन करना है आँखों के बिल्कुल सामने, तो इसको हम लोग डाउन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, फर्स्ट पोजिशन क्या है, पहले तो आप राइट हैंड का ये बना लीजिए, इसको आजकल यू के नाम यू भी कहते हैं, तो ये बनाया। देन सेकेंड मूवमेंट हमने क्या, लेग्स लेनी है इस तरीके से, लेफ्ट लेग जो है वो तो पंजे पे आ जाएगा, राइट से हम लोग बक्कल पकड़ लेते हैं, बेल्ट का पकड़ लेते हैं, देन ये डाउन करना है। फर्स्ट फोर बीट तो आप लोग फर्स्ट फोर बीट पे हमने सिर्फ गैप पकड़ लिए, 1 2 3 4, 4 के बाद हमें ये हाथ जाएगा नीचे। अब सिर्फ और सिर्फ हमें कमर कमर को अप डाउन लेके आना है, इस तरीके से आप देखिए 5 6 7 वो 1 up 2 down 3 up 4 down, ठीक है, 5 6 7 go 1 2 3 4 4 करने के बाद आप देखते होंगे माइकल जैक्सन का वो जो हम लोग बोल ब्लेजर जो पहनते हैं उसको हम लोग पीछे को फ्लैप पे पीछे मारते हैं उसको 5, ठीक है, अगेन 5 6 7 go 1 2 3 4, देन उसके बाद 5 6 7 8, ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, हमें करना है 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8, देन उसके बाद स्ट्रेट आ जाएंगे हम लोग ऐसे, फिर उसके बाद स्ट्रेट कैसा, राइट पैर को हम लोग लेके आएंगे, पहले लेफ्ट टो पे था अब राइट टो पे आ जाएगा, देन उसके बाद 1 then 2 5 6 7, सेकंड स्टेप में हमें नेक हिलाना है और सीधा सीधा आना 1 and 2, ठीक है, 5 6 7 go 1 2 3, 3 लेके 5 6 7 go 1 2 3 4, then उसके बाद 5 6 7 8, then straight 1 2 3, 3 के बाद हमें chest upper up रहेगा बाहर को outside को 5 6 7 go यार 1 2 3, उसके बाद जो chest बाहर है उसको हमें बाहर लगे अंदर hit करना और पैर को right को left को मारना है 5 6 7 go 1 5 6 7 start 1 2 3 steps लिए, तब उसके बाद 4 5 6 7 go 1 2 then 3 and 4 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8, then 1 2 3 4 5 6 7 and 8, हमें ये जोर से मारना है 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 then 7 and 8, ठीक है जी। चलिए अभी हम लोग इसको इतना याद करेंगे, ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस धीरे धीरे इसी को सीखना है, बहुत सिंपल स्टेप है। इसके बाद एक स्टेप हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कदम करते हैं यहाँ पे, देन उसके बाद हमें क्या करना है, राइट के पंजे को लेके आना है इस तरीके से, हैंड मूवमेंट स्ट्रेट रहेंगे, फिंगर थंब बंद रहेगा, स्ट्रेट रखना है इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद जो हम लोग करते हैं टैप टैप करना है, पैर टैप टैप अप टैप टैप अप, जब हम पैर टैप करेंगे तो हाथों को भी नीचे मारेंगे, एल्बो जो है वो शोल्डर के लेवल पे रहेगा और हमें सिर्फ पंजे को डाउन लेके आना है, टैप टैप अप टैप टैप, जब हम टैप टैप करते हैं तो हाथों को भी टैप टैप करते हैं, 5 6 7 go टैप टैप अप टैप टैप अप टैप टैप अप देन टैप टैप अप, जब हम इस स्टेप को करते हैं तो हमारा दूसरा पांव जो होता है वो भी टो पे रहेगा पंजे पे, ठीक है।
ये 5 6 इसको आप फुल रख सकते हो, लेकिन टो पे लेने का क्या है कि हम लोग उसमें टर्न कर सकते हैं 5 6 7 को, ये हमने सिंपल किया, बट इसमें हमें 8 की काउंटिंग पे एक राउंड कंप्लीट करना है 5 6 7 को टैप टैप अप टैप टैप अप टैप टैप अप एंड टैप टैप अप। जब हम लोग टैप टैप करते हैं दोनों पंजों पे आए, जब हम टैप करते हैं नीज बेंड कर सकते हैं 5 6 7 को टैप टैप अप टैप टैप अप टैप टैप अप एंड टैप टैप अप। ओके, तो ये 3 से 4 स्टेप्स हमें आज याद करने हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 5 6 7 go. Firstly, cat पकड़ के चार सिंपल फिर जाने देंगे 1 2 3 4, then उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, then straight, उसके बाद यहाँ से 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है जी। तो ये basic steps हैं हमारे लिए, तो ये हमें करने हैं, पहले हम लोग इतना याद करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपके साथ, तो उसमें हम लोग सॉन्ग को भी प्ले करने का पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें 2-3 स्टेप्स अभी और करने हैं, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के कारण अभी हम इतना ही पहले लर्न करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।